everyone, assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to hashtag बन जाऊं दुल्हन मैं. So जैसे कि आप लोगों को पता है, wedding season is just around a corner, मतलब start हो ही गया है. तो इस वजह से मैंने ये series भी start किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब help मिले मेरी videos से. तो इस series का ये third look है जो मैंने create किया है and ये है Indian bridal makeup look. आई होप आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा. अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना, पास में छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसे भी हिट कर देना. एंड प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन पे होगा मेंशन, आप चेक कर लेना. और आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल मीडियाज़ के साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, सारे प्रोफाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है. वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्प्स गुडनेस का ये अंबा हल्दी टोनर लूँगी, अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पे पर्पल का ये सीरम लूँगी, इसे भी अपने ऑल ओवर फेस पे मसाज करते हुए अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद मैंने यहाँ पे मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लिया है, उसे भी अपने ऑल ओवर फेस पर मैं अप्लाई करूँगी. यू नो, स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी है ब्राइडल मेकअप से पहले. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का ये लिप बाम भी ले रही हूँ अपने लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए. उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का ये अंडर आई सीरम लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हो गया है तो इसे बस ऐसे मसाज करूँगी रिंग फिंगर के हेल्प से. कोई भी आप अगर मेकअप करते हो तो आपको स्किन केयर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, स्किन केयर अच्छे से करना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पोमेड लिया है एंड मेरा शेड है ब्राउन, तो इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे एलेगल का ये कंसीलर लूँगी एंड अपने आईब्रोज की एज को अच्छे से क्लीन करूँगी. यू नो, ब्राइडल लुक में आईब्रोज की एज को अच्छे से क्लीन करने से आईब्रोज बहुत शार्प दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है. एक ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, मतलब स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर को अपने आई लिड पर अप्लाई करूँगी एज अ आई शेडो बेस एंड सेम ब्रश के हेल्प से मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी. सो गाइज, इससे क्या होता है, जो भी आई शेडो आप अप्लाई करते हो वो उभर के आता है. उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ये लूज़ पाउडर से आई लिड को सेट कर लिया है. उसके बाद मैंने यहाँ पे टेप लगाया है एंड मैंने यहाँ पे जैकलिन का मॉर्फी हील जो पैलेट है ये ड्यूप है, इसे यूज़ किया. अपने आउटर वी से स्टार्ट किया है ब्लैक कलर शेड को पिक करते हुए, एक वी क्रिएट कर रही हूँ एक डोम ब्रश के हेल्प से एंड मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है. ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये रेड कलर शेड पिक किया है एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से एंड जस्ट मैं ब्लैक कलर शेड के ही साइड साइड में लगा रही हूँ, मतलब उसके पास पास एक साथ ब्लेंड करते हुए. तो एज यू कैन सी मैं क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जा रही हूँ, क्रीज लाइन से नीचे नीचे तक ही मैं ये सारे शेड्स अप्लाई करूँगी. उसके बाद मैंने यहाँ पर ये गोल्ड कलर शेड पिक किया है एंड अपने इनर कॉर्नर पर, मतलब इनर आई लिड पर अप्लाई किया है. तो यस, एक स्पंज टिप एप्लीकेटर के हेल्प से. नेक्स्ट मैंने सेम रेड कलर शेड लेके मैं गोल्डन एंड रेड को एक साथ ब्लेंड कर रही हूँ, स्मज कर रही हूँ ताकि एक साथ लगे, कुछ भी हार्श ना बने. उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का ये जेल लाइनर लिया है, इसके हेल्प से मैं एक विंग लाइनर टाइप्स ऑफ ड्रॉ करूँगी एंड मैं मेकअप मतलब शेड्स को, आई शेडो को मैंने क्रीज लाइन्स के ऊपर नहीं अप्लाई किया है, जस्ट क्रीज लाइन के नीचे नीचे अप्लाई किया है, आप लोगों ने देखा है. एंड मैं टेप को रिमूव कर दूंगी. उसके बाद मैं यहाँ पे एक इनर कॉर्नर बनाऊंगी, मतलब अपने इनर कॉर्नर पे भी आईलाइनर अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये लैशेस आई लैशेस को कर्ल करूँगी. उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का लेस सेंसेशनल मस्कारा लिया है, ये वाटरप्रूफ है, ब्राइडल के लिए बेस्ट मस्कारा है, जितना रोलो धोलो ये कहीं नहीं जाने वाला. और ये मैंने ये स्टे क्वर्की का बैडास काजल लिया है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है इसकी, तो मैंने अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से टाइट लाइन कर लिया है एंड मैंने फेक लैसेस भी अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैंने यहाँ पर फेसेस कैनाडा का ये प्राइमर यूज़ करूँगी, ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करते हुए अप्लाई किया है तो ये बहुत अच्छे से नो ब्लर आउट कर देता है आपकी फेस को. नेक्स्ट मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करूँगी एंड मैं यहाँ पे अंडर आई पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी एंड मुझे बहुत सारे नो ब्राउन स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, उसको हाइड कर लूँगी.
सो माउथ के कॉर्नर पे अप्लाई करते हुए एक कबूकी ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ किया है उसके ऊपर, ताकि फाउंडेशन के साथ कलर एक साथ मिक्स ना हो जाए इस वजह से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है एंड ब्राइड के लिए ग्लो बहुत ज़रूरी है, ब्राइडल लुक में ग्लो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है मेरा फेस नेचुरली अंदर से। तो ये इसे अप्लाई कर लूँगी मैं अपने पूरे फेस पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन लूँगी, ये मैंने लिया है लॉरियल का इनफॉल्यूबल फाउंडेशन। एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे ये गुड वाइब्स का ऑयल यूज़ किया है, ये सिल्वर लीव है। एंड इसे अपने ऑल ओवर फेस एंड नेक पे अप्लाई करूँगी, सेम ब्रश के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा कवरेज देता है ये वाला फाउंडेशन, ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है ये फाउंडेशन। तो मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम कंसीलर लूँगी, जो मैंने एले गर्ल का कंसीलर लिया है, उसे अपने अंडर आई पे अप्लाई करूँगी। वन अंडर आई मतलब एक एक करके मैं अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी, ताकि जल्दी से सूख ना जाए तो इस वजह से मैंने पहले एक अंडर आई पे अप्लाई किया, ब्लेंड किया, उसके बाद दूसरे में अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। यस, आप देख सकते हो इसे काफ़ी अच्छा होता है, ब्लेंडिंग बहुत ईजी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फोरहेड एंड नोज़ पे, चिन पे एंड मेरी क्यूपिड्स बो पे भी अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा जॉ लाइन के यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया है। एंड सेम एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यस, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम एले गर्ल का ये प्रो कंसीलर लिया है और ये जो शेड है ये टोस्ट है आई थिंक। तो ये एज अ ब्रॉन्जर बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब एज अ कॉन्टोर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसे मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पे, जॉ लाइन पे, नोज एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। आप देख सकते हो इससे क्या होता है, आपके फेस थोड़ा सा शार्प दिखते हैं, अच्छा लगता है मेकअप पे फेस शार्प दिखना अच्छा ज़रूरी है। तो मैंने अप्लाई कर लिया और मेरी फैटी नोज को तो मैं भूल ही नहीं सकती, उसे थोड़ा सा स्लिमर दिखाने के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेक वेट की का ये ब्लश लिया है, वैसे तो ये ब्लश है बट मैं एज अ ब्राउन्जर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इसका शेड ब्राउन टोन में है तो एज अ ब्राउन्जर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो सेम जहाँ पे मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया था उसके ऊपर सेट कर रही हूँ अब ये एज अ ब्राउन्जर की तरह, एंड अपने नोज़ पे भी जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेकिंग करूँगी अपने अंडर आई पे एंड पूरे फेस को थोड़ा सा बेकिंग करूँगी। एंड या सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे सेम ब्लैक कलर शेड अप्लाई करूँगी एंड उसके ऊपर मैं ये रेड कलर शेड अप्लाई करके मस्कारा के एक दो कोट अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए पिक किया है सेम स्टेकवेयर की का ब्लश और ये जो शेड है ये पीच लेडी करके शेड है एंड इसे अपने चीक्स बोन पे एंड मेरे नोज़ पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है एंड इसे अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे। तो यस, आप देख सकते हो इसका काफ़ी अच्छा ग्लो है एंड मैं अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी सेम हाइलाइटर के हेल्प से। यस, उसके बाद मेकअप को फिक्स करने के लिए यहाँ पे फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा वाला मेकअप फिक्सर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पर्पल का ये बुलेट लिपस्टिक यूज़ करूँगी, ये रेड कलर है, शेड मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। तो इसके ऊपर मैं ये NYBA का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ताकि क्या होता है कि उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स होकर रिमूव नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस वजह से मैं ये ट्रिक को फॉलो की हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। सो यस गाइस, दिस इज़ द एब्सोल्यूट कंप्लीट लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है ना? तो कैसा लगा है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना और आगे भी बहुत सारे लुक आने वाला है इस सीरीज़ में, तो जस्ट स्टे ट्यून। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना रेड कलर के बटन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।